दिख गए संभालो अब तो मेरा यही तक का काम था जो मैंने कर दिया। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी, आए हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और चलते हैं मेरी धन्नों से, क्योंकि प्रियांशु ना डिज़ाइन डाल रहा कि 10 मिनट 15 मिनट में आ जाऊँगा नागझिरी से, तो नहीं आ पाएगा वो, मुझे पता है। उसको आधा घंटा तो लगेगा ही, फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, इसलिए मेरी धन्नों ही अच्छी है बाबा। मैं टिफिन भी रेडी है, बस चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, बस अब मुझसे चालू हो जाए एक बार में कि बस। तो गाइज मेरे धन्नों मुझे सही साथ ले आई, परेशान नहीं किया, मुझे लग रहा था कि करेगी, बट एक बार में चालू भी हो गई और आ भी गई। चलो पहुँच गए। हाँ, मेरी एक फ्रेंड की इच्छा थी कि मैं खुद गाड़ी से आऊँ, तो मैं अब गाड़ी से आने लग गई हूँ, उनके लिए गुड न्यूज़ है। शोरूम पे आ गई, चाय पी रही हूँ और अंजलि इधर पूजा पाठ की तैयारी में लगी है, पूजा करेगी आज वो। नहा के आई है आज? आज नहा के आई है। सो गाइज अभी हम लोग खाना खाएंगे, और हमारा खाना खाने का कोई टाइम नहीं है। कभी हम आते से खाना खा लेते 11 बजे, अभी 12 बजे, कभी 4 बजे, 5 बजे, टाइम ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो रही हूँ इसी कारण, अब मुझे टाइम पे खाना खाना पड़ेगा। अब दीदी और इन लोगों का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग आ जाए फिर खाना खाते हैं, पता नहीं कब आएंगे। सब जन रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। इधर खाने के लिए सब बैठ चुके हैं, ये देखो क्या उधर जो खाई की सब्जी आलू गोभी की है। मैं खिचड़ी लेकर आई हूँ, ये आलू मटर। वो भाभी क्या लाए? पानी बोतल। देखो मैं काई में खा रही हूँ, नहीं होगी। इसमें डाल, मैं भी खाऊंगी। अच्छा आपके फाई देख लिए? नहीं तेरे, उनके फाई देख लिए बोल रहे हैं। नमक नमक दे दो ना, डाल लेते नमक कम है। क्या हो गया? खाना नहीं खा गया ना, धक्का हारती लाएगी। पेट्रोल नहीं है उसने ले आती गाड़ी से। ओ वाह, अच्छा हुआ ये बता दिया, नहीं तो फिर क्या होता। और टिफिन उसमें नहीं रखना है, क्यों गरम होगा हमारा, खाती ना ऊपर। आज ये और कैसे जाएंगे मेले में, मुझे कैसे ने बोला ले ले 2-3 घंटे के बाद मेले में चलते हैं। आज तो मजे है, देखो भी ले सकती हूं है ना। आज मुझे बोला है कि आज तो कुछ भी ले सकती है मेले से। मैंने तो रोज भी खरीदा, क्रेजी ने खरीदा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे रोज बहुत ज्यादा पसंद है। देखो किसको, तू ही तो है। हम लोग मेले में पहुंच चुके हैं, हमने गाड़ी लगा दी नवग्रह पे, और क्रेजी को थैंक यू सो मच फ्लावर देने के लिए, मेरा फेवरेट है फ्लावर, क्योंकि और हाँ क्रेजी को नहीं पसंद है, इसलिए मैं क्रेजी को फ्लावर नहीं दूंगी, क्योंकि क्रेजी को ऐसा लगता है कि फ्लावर मुरझाता है ना, तो उसके साथ साथ रिश्ते भी मतलब डल होने लगते हैं, तो बोले फ्लावर नहीं देना चाहिए मायने से। और उसको तोड़ के अपन क्या मतलब है? ऐसा नहीं है यार, वो तो देखो टूटने के लिए ही बना है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं ये, अपने जाते हैं वो मतलब क्या, सबके अपने अपने थिंकिंग होती है। पसंद तो दिया मतलब क्रेजी की थिंकिंग ये है कि वो मुरझाता है, तो और किसी को तोड़ के किसी को खुश करना गलत है। गुलाब नहीं था, ढूंढा 2-3 जगह ढूंढा भाई। हाँ नहीं मिलता वाइट, नहीं मिलता वाइट, यहाँ पर मिलता ही नहीं, हम बहुत ढूंढते हैं, रेड ही मिलता, और रेड भी पता नहीं कैसे मिल गया, वरना उधर जाना पड़ता है। सही है, दिख गए दिख गए दिख गए, संभालो अब तो मेरा यही तक का काम था जो मैंने कर दिया। मुझसे भैया मिलने अब आए हैं ना, मुझे बर्थडे विश किया और ना मेरे बर्थडे पे आए, बहुत बेकार है। देखा जिसको स्पेशल मानो ना वो ऐसा ही करता है, पर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो फिर गुस्सा खत्म कर देती हूँ मैं।
झेलना ही पड़ेगा भाई बनाया तो। हाँ वो तो है भैया, ऐसे बहनों के नखरे होते हैं, मेरे यहाँ भाइयों के है, देखा मेरे सभी भाई ऐसे ही निकलते हैं। कोई काम नहीं, ये मेरे बेस्ट भाई है। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक डांस पे, झूलेंगे ब्रेक डांस। अभी हम लोग थोड़ा पीने आए हैं, उसके बाद नेक्स्ट झूला झूलेंगे। तो धूप के कारण इतनी गर्मी हो रही है तो फेस पे, अब हम लोग नाव पे झूलेंगे। आज भैया के साथ सारे झूले झूलेंगे, सारे तो नहीं, मेरी कैपेसिटी दो की है, भैया झूलेंगे और अंकिता, इन लोगों को झूलना होगा तो झूलेंगे। हम लोग नाव पे आ गए, फ्रेंडी को देखो कहाँ है, सबसे ऊपर, हम लोग तो नीचे बैठे हैं, ज़्यादा ऊपर डर लगता है बाबा। वो उससे ऊपर बैठ जाना ना, उसके मुंह के ऊपर, और क्या है, अलाउड नहीं है। पर्स ले रही हूँ, ये वाला, ये वाला कलर यही है कि गाइस भैया आए थे मिलने, भैया चले गए, अर्जेंट कॉल आ गया था घर से तो उनको जाना पड़ा, वो स्पेशल हम लोगों के लिए ही आए थे कि मिलेंगे, बर्थडे पे भी नहीं आ पाए थे इसलिए उन्होंने मुझे मतलब बहन बनाया है, भाई है मतलब मेरे मुँह बोले, पर सबों से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत केयर करते हैं मेरे, बहुत लव करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ खाने आए हैं, मैं तो खाना खा लिया था, बिल्कुल भी भूख नहीं है, बट फ्रेजी ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि भैया आ गए थे और ये लोग मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे तो बताया नहीं था भैया आ रहे हैं इसलिए। अब फ्रेजी को कुछ खिलाते हैं, फिर थोड़ा मेले में घूमते हैं, फिर जाएंगे वापस से शोरूम पे, जाना है मुझे। इधर फ्रेजी ने मंगाए हैं हक्का नूडल्स, नूडल्स और मंचूरियन खाना का नहीं मन था, अब नहीं करती, इतना खा लिया, खा के देखो हक्का नूडल्स, मेरी तो कुछ अच्छा नहीं कर रही खाने का, अच्छा लगता मेले में, बाकी सब तो उल्लू बनाते। तो गाइस हम लोगों ने चाइनीज़ वगैरह खा लिया, अब पियेंगे कुछ ठंडा, जूस वगैरह पीना है क्योंकि भूख तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे, वो क्रेजी का भी पेट भर गया। गन्ने का जूस इस मौसम में पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा भी लगेगा और कुछ प्यार कुछ तो आधा टाइम सोचने में चले जाता है मैं कैसे जाती। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि क्रेजी के लिए सिलवानी है फॉर्मल ड्रेस, और क्रेजी की फॉर्मल ड्रेस हमेशा मैं ही सिलवाती हूँ, तो अभी ख़त्म हो गई है, ख़त्म से मतलब अब टाइट आने लग गई है, बहुत टाइम पहले सिलवाई थी इसलिए अभी दो ड्रेस और सिलवानी है, तो आज कपड़ा पसंद करेंगे तो सिलवाने डालेंगे, है ना। मैंने लिया है बुके, चलो चलते हैं क्रेजी के पास और देते हैं। अभी न्यू ओपनिंग हुई है कल परसों मतलब हुई,
तो वहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना था, इसलिए अभी यहाँ पर रुके हैं, फिर जाएंगे मार्केट। अभी हम लोग आए हैं शेक पीने, मेले में भी कुछ नहीं पिया, कुछ ठंडा पीना था, तो अभी यहाँ पर पियेंगे क्योंकि यहीं का अच्छा लगता है। हमारा जो मेन काम है ना वो हो ही नहीं रहा, मेन काम है ड्रेस सिलेक्ट करने जाने की, तो वो जा ही नहीं पा रहे अभी तक, इधर उधर ये वो काम कर रहे हैं। और वहीं चलेंगे ना डायरेक्ट, ये सामान नहीं सामान वामान रखने को ही नहीं जाएंगे, ये सामान रखने जाएंगे तो फिर वो टाइम हो जाएगा, वो टाइम लगेगा, पता है क्यों? वहाँ पे ड्रेस अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूजा शोरूम 7 बजे जाएगी, मतलब क्या वो बात तो वही हो जाएगी ना, फिर पूरे दिन ही तू गायब, तो कब जाएंगे फिर देखेंगे सब बात। हम लोग ड्रेस लेने नहीं जा रहे क्योंकि लेट हो जाएगा, मुझे शोरूम पर भी जाना है, मैं थोड़ा टाइम लगेगा ना सिलेक्ट करने में, इसलिए कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे, आराम से देखेंगे, अभी जल्दीबाजी में कुछ सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी मैं शोरूम जाती हूँ। मेरा रोज़ भी लेकर जाऊँगी, पूरा मुरझा ही गया वो देखो, मेरा फ्लावर पूरा मुरझा गया, उसको डिक्की में रख दिया, देखो मेरा सामान इनको दिखा रही, कैसे देख रहे थैली में के थैली में, मुझे हल्दी आ रही थी। हेयरबैंड लाए हैं हाँ, ये पूरी चीजें भाभी दिखा देंगे, ये 10 रुपए वाला माल है, ज्यादा महंगा नहीं है ना, 10 रुपए हर माल। हमारे खरगोन में मेला लगा है, ये हेयरबेल्ट 10 रुपए में चित का भी, ये हेयरबेल्ट बहुत सुंदर है, सिंपल सा, ये छोटी छोटी चुटकियाँ, फ्लेचर कितनी धीरे धीरे बता रहे, वो देखो, और 3 अतरंगी कलर में नेल गाइस, बहुत दिनों के बाद भैया मुझसे मिलने आए थे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और सरप्राइज दिया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज वो आएंगे, बहुत अच्छा लगा उनका सरप्राइज, बट वो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाए। हमारे साथ है ना ऐसा इंसिडेंट हर बार होता है, जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको जल्दी जाना पड़ता है, आज भी घर से कॉल आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा, और पिछली बार भी वो आए थे ना जब भी ऐसा ही हुआ था, जब किसी फ्रेंड का शायद कुछ कॉल वगैरह आ गया था तो जाना पड़ा था, पता नहीं ऐसा क्या है उनसे कि ज़्यादा देर हो ही नहीं रह ही नहीं पाते वो। मेरा फ्लावर टूट गया यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बस यही है फ्लावर का, लो तो फिर वो है ना टूट जाता मुरझा जाता तो अच्छा नहीं लगता। गाइस ये बेकाम के लोग आ गए हैं शोरूम पे, ओए मेरे रोज के साथ कहीं छेड़खानी मत करे, खाने दो भूख लग रही वो खाने की चीज है, देखो खा सकते ना, मैंने खाया नहीं आज। चेतन कितने गुलाब आज लेने पड़े तेको, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ रूम पर और मैं बार बार मेरे पर्स को ही देख रही हूँ, भैया ने मुझे पर्स दिलाया, चॉइस मेरी थी बट दिलाया भैया ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी कमेंट करके बताओ किस किस को पर्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत शौक है, सबसे ज़्यादा शौक मुझे पर्स का है, पर्स बहुत लेती हूँ मैं। तो अब चेंज कर लेते हैं, दिन भर से सब ऐसे ही घूम रही हूँ। गाइज मेरा खाना बन चुका है और अब मैं खाना खा रही हूँ, अभी बज गए हैं 11 क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की, सब्जी और रोटी। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बाय बाय, जय श्री महाकाल।